नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बात करेंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। हालांकि यह प्रतिबंध उन अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें DGCA से उड़ान की अनुमति मिली है। आज से बदल रहे हैं TDS के नियम। जिन टैक्स पेयर ने पिछले 2 वर्षों से ITR दाखिल नहीं किया है उनसे अधिक TDS लिया जाएगा। आज से बैंकिंग के कुछ नियम, गैस सिलेंडर की कीमत, चेक ट्रांजैक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, कार और बाइक से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। आज से SBI में बेसिक सेविंग अकाउंट के लिए ब्रांच और ATM से 4 बार से अधिक पैसे निकालने पर हर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए और GST जोड़कर शुल्क देना होगा। तेलंगाना में आज से स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं, हालांकि स्टूडेंट अभी ऑनलाइन ही पढ़ाई करेंगे। आज मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान का शहडोल का दौरा है। इस दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। मध्य प्रदेश में आज 1 जुलाई से 3 जुलाई तक वैक्सीनेशन का विशेष महाअभियान आयोजित किया जाएगा। इसके तहत जुलाई को कोविड वैक्सीन के ही सत्र आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट के रोक के बावजूद आज से शुरू होगी 4 धाम यात्रा जिसमें 3 जिलों के लोग भागीदार बन सकेंगे। विश्व धरोहर उत्तराखंड की मशहूर फूलों की घाटी पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है, आज से दीदार कर सकेंगे लोग। आज से श्री गंगानगर इंटरसिटी ट्रेन पुनः चलने लगेगी जिससे रेल यात्रियों को काफी सहूलियतें होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से सभी स्कूलों को खोलने के आदेश दिए हैं, हालांकि बच्चों को स्कूल आने की इजाजत नहीं मिली है, उन्हें ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। लोजपा सांसद चिराग पासवान 5 जुलाई को पिता रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर हाजीपुर से अपने आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा से वे अपना शक्ति परीक्षण करने वाले हैं। दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन पर नजफगढ़ से ढासा बस स्टैंड के बीच मेट्रो कॉरिडोर बनकर तैयार है। इसी तरह से पिंक लाइन पर मयूर विहार पॉकेट 1 से त्रिलोकपुरी के बीच निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। दोनों कॉरिडोर पर अगले महीने मेट्रो का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 2 दिवसीय PTM आज से शुरू होगी। स्कूल बंद होने की सूरत में 1ली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों व उनके अभिभावक के लिए ऑनलाइन PTM आयोजित की गई है। हरियाणा के लोगों को राज्य की मनोहर सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल की शुरुआत कर बड़ी सौगात दी है, जहां राज्य में शहरी निकाय की दुकानें और मकानों पर 20 साल से काबिज लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। चमोली आपदा मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। NTPC ने बताया कि 84 परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है। दूसरे राज्यों से ट्रेन या प्लेन से झारखंड आने वाले लोगों को झारखंड पहुंचने के पहले 72 घंटे के अंदर का RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वनांचल में नदियों के किनारे बिजली लाइन बिछाकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल्दी ही कार्य योजना तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश के नर्मदा मिशन के संस्थापक भैया जी सरकार इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। नर्मदा घाटी के पर्यावरण को बचाने 256 दिनों से अनशन के कारण उनकी हालत गंभीर हो गई है। विश्व के सबसे ऊंचे दिल्ली मनाली लेह रूट पर घूमने के लिए आज 1 जुलाई से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा शुरू होने जा रही है। यह बस प्रदेश के शानदार बर्फ से लदे आसमान छूते 4 दर्रों व अद्भुत पर्यटन स्थलों से घुमाते हुए ले जाएगी। रोमांचित करने वाले 1026 किलोमीटर का सफर पर्यटक मात्र 1548 रुपए में कर सकेंगे। यात्रा की अवधि 32 घंटे की होगी। हिमाचल प्रदेश में कुछ कड़ी शर्तों के साथ आज 1 जुलाई से श्रद्धालुओं को चूड़ाधार मंदिर में अपने आराध्य देव भगवान सिरगुल महादेव के दर्शन की अनुमति मिल गई है। भारतीय रेलवे ने जुलाई माह से जम्मू से कुछ विशेष रेलगाड़ियों को चलाने की घोषणा की है, जहां दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी दिल्ली जम्मू मेल एक्सप्रेस 6 जुलाई से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से चलना प्रारंभ होगी।
बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुए हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में रिपोर्ट पूरी तरह से सीलबंद लिफाफे में सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में क्या है फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। कोरोना जैसी स्थिति पर विचार करते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट ने पहले के अंतरिम निर्देश सुरक्षा अंतरिम जमानत की अवधि को जुलाई 16 तक बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार मुंबई स्थित फिल्म सिटी के विकास के लिए एक्सप्रेस ऑफ इंटर स्टेट आवेदन आमंत्रित किए हैं। फिल्मों में काम करने वाले ज्यादातर लोग मुंबई में रहते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए 80 और स्टूडियो तैयार करने की योजना बनाई गई है। गुजरात में अपराध लव जिहाद तथा लूट की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा की अध्यक्षता में पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक होगी। इसमें राज्य सरकार और पुलिस मिलकर रणनीति बनाएगी। पश्चिमी राजस्थान का कुंभ कहे जाने वाले सबसे बड़े आस्था स्थल बाबा रामदेव समाधि का मुख्य द्वार आज से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। ऐसे में देश भर में रहने वाले बाबा रामदेव के लाखों करोड़ों भक्तों में खुशी की लहर देखने को मिली। अगर आप वजन घटाने के साथ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो रस्सी कूदें। एक्सपर्ट के मुताबिक 15 से 20 मिनट तक रस्सी कूदने से मोटापा कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप रोजाना 10 से 15 मिनट रस्सी कूदेंगे तो आप अपनी बॉडी से 200 से 250 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं, बल्कि हाइट भी बढ़ा सकते हैं। ICAR ने यंग प्रोफेशनल के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icar.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जाएगी, जिसका आगाज 4 अगस्त से होगा। स्टाइल के मामले में बेटी को टक्कर देती नजर आई प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा। शॉर्ट पैंट और टॉप में तस्वीर हो रही है वायरल। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।